ओके सो वी हैव पॉइंट्स हेयर एंड देयर दैट आर रिलेटेड टू गैस ट्रो सो आई एम टू कवर देम इज वेल ओके इन पॉइंट नंबर टू नाइन्टी फर्स्ट टू टू थ्री स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू जीआई सो बेयर एरिया ऑफ लेवर इज लिमिटेड बाय क्रॉनरी लिगमेंट ओके लेवर जो है उसके ऊपर ग्लिसंस कैप्सूल होता है ठीक है फिर इसके ऊपर डिफरेंट लिगेमेंट्स हैं कुररी लिगेमेंट है नीचे गैस ट्रो हैं ठीक है यहाँ पर जो है ये एक साइड पे ठीक है क्रोनरी लिगामेंट होता है जिसके इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेम्स होते हैं ठीक है थीके? और पोस्टीरियरली लिवर हैज़ अ बेयर एरिया विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एन लिगामेंट सही है ठीक है तो दैट इज नोन एज बेयर एरिया और उसकी सारी साइड्स पे वी हैव क्रोनरी लिगामेंट ओके फिर इसके बाद जो है ड्यूरिंग सर्जरी स्लैनिक वेसल्स नीड टू बी लाइगेटेड इन विच लेगमेंट आर दीज वेसल्स प्रेजेंट लीनो रेनल लेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है फिर स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू फेमरल हर्निया इज लेक्यूनर लेगमेंट ठीक है आई हैव एक्सप्लेन दैट कि लेक्यूनर लेगमेंट इज द मीडियल फोल्ड ऑफ जो हमारे पास है uh, इंगवाइनल लिगमेंट सही है तो फेमरल हर्निया इज बिलो द इंगवाइनल लिगमेंट सही है या फिर अंडर या पोस्टीरियर वट एवर ठीक है तो उससे अबव जो है हमारे पास इमीडिएटली मीडियल हमारे पास क्या होता है लेक्यूनर लिगमेंट प्रेजेंट होता है ठीक है सी शेप या लेक्यून शेप लिगमेंट क्रिसन शेप लिगमेंट होता है ओके okay? ओके नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी फर्दर पॉइंट्स मैं पहले आ, पूरे जो गैस्ट्रो इंड सिस्टम है उसके ब्लड सप्लाई को जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ ठीक है हमारे पास तीन मेन जगहों से सप्लाई आता है सिलियट ट्रंक से आता है एसएमए से आता है सुपीरियर मेजेंटारे काटरी से और इन्फीरियमजेंटारे काटरी से आता है ठीक है अच्छा सिलियकाटरी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं सबसे पहले बस इसको देखें ठीक है टनल विजन थोड़ा सा अच्छा इधर उधर नहीं देखना फिर जो है बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है ये सिलियकाटरी है ठीक है अब इसकी पहली ब्रांच कौन सी है ये ऊपर स्टमक है ठीक है तो ये स्टमक को ब्रांच देगी ठीक है दैट इज़ नोन नोन लेफ्ट गैस्ट्रिक सॉरी ये जो है पहली ब्रांच देखिए सर यहाँ पर जो आएगी हमारे पास दैट विल बी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक है ये ऊपर स्टमक को जाएगी ठीक है और ये स्टमक के लेसर कर्वेचर की साइड को कवर करेगी ठीक है इसीलिए ट्रंक की तीन मेन ब्रांचेस ब्रांचेज हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक है स्पीनिक है और कॉमन हिपैटिक है ठीक है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक तो ये ऊपर आ गई छोटी सी बस खत्म हो गया ठीक है अब सेकंड पे आ जाए स्प्लिनिक पे स्प्लिनिक ये है लीनो रिगमेंट लीनो रिगेमेंट के थ्रू जा रही है ठीक है हमारे पास ये स्प्लीन है ठीक है ये जाते हुए रास्ते में पैंक्रियाज को छोटी छोटी ब्रांचेस दे रही है पैंक्रियाटिक ब्रांचेज है फिर ये दो ब्रांचेस देती है स्टमक की तरफ एक है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक एपिप्लोइवेसन ठीक है ये ग्रेटर कर्पेचर ऑफ द स्टमक वाले एरिया को कवर करेंगे ठीक है अच्छा अब तीसरी एंड लास्ट इन द मेन ब्रांच इसकी आगे फर्दर दो ब्रांचेस हैं ये है कॉमन हिपैटिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक है तो इसमें से फर्दर दो ब्रांचेस निकलेंगी एक एकपेटिक प्रॉपर है और एक गैस्ट्रोड्यूडिनल है ठीक है हेपैटिक प्रॉपर में से हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक आर्टरीज निकलेंगी राइट हिपैटिक आर्टरी में से फर्दर सिस्टिक आर्टरी जाएगी ठीक है और हिपैटिक प्रॉपर आर्टरी जो है बिफोर डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक वेसल्स ये जो है एक ब्रांच देती है विच इज अ स्मॉल ब्रांच डैट्स नोन एज राइट गैस्ट्रिकाट्री ठीक है और यह इनस्टामोज कर रही है विद लेफ्ट गैस्ट्रिकाट्री ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक ठीक है फिर ये हमारे पास गैस्ट्रो और यूरिनल वेसल जो है कॉमन हेपेटिक की दूसरी ब्रांच है ये दो ब्रांचेस पर दर्देगी एक राइट गैस्ट्रिको एप्लीप्लोइ वैसल है ठीक है एंड दिस वैसल इज़ मोबलाइज ड्यूरिंग ईस ऑफ एजेक्टिमी ठीक है ओके ये आगे पॉइंट्स में आया है दैट्स इम्पोर्टेंट ठीक है और ये जो है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल है ठीक है गैसट्रो ड्यूडिनल से दो ब्रांचेस एक गैस्ट्रो की तरफ जाएगी स्टमक की तरफ और ड्यूडिनम और पैंक्रियास की तरफ आएगी सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्ट्री ये आर्ट्र जो है सिलियक वेसल की ये एनास्टमोस करती है सुपीरियर मेजेंटारिक आर्ट्री की ब्रांच इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल के साथ ठीक है ये दोनों एनास्टोमोस बनाते हैं ठीक है ओके नाउ हैविंग सेड ऑल दिस लेट्स गो टू एस एम एस एमए में हमारे पास ये है इसकी एक ब्रांच तो ये आ गई इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल जो ऊपर सुपिरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल के साथ एनस्टोमोस

ये जो मिडल कॉलिक है ये डिस्टल कोलॉन तक जाती है और डिस्टल कोलॉन के कुछ पोर्शन को वाटर शेड एरिया होता है ठीक है वो प्रॉक्सिमल टू थर्ड एंड डिस्टल वन थर्ड पे जो है वाटर शेड एरिया है हमारे पास ट्रांसफर्स कोलॉन पे उस पर दो वेसल्स का आ रहा है फिर हमारे पास मिडिल कॉलिक का और लेफ्ट कॉलिक का ठीक है लेफ्ट कॉलिक और मिडिल कॉलिक जो है लेफ्ट कॉलिक आई एम ए से अराइज करेगी लेफ्ट कॉलिक एंड मिडिल कॉलिक वेल इनस्टोमोज ठीक है और यहाँ पर आई एम ए की दो ब्रांचेज ही हैं एक लेफ्ट कॉलिक है और एक जो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ठीक है अच्छा ये सारी वेसल्स एनेस्टोमोस करके कोलॉन के साथ साथ एक इस तरह मार्जिनल आर्टरी सी बना देती हैं दैट इज़ नोन एज द दस्टो इसमें तीनों वेसल्स का कंट्रीब्यूशन है सिले का भी है एस एम ए का भी है आई एम ए का भी है ठीक है एंड दैट आर्टरी द दस्टोमोस द आर्टरी दैट फॉर्म

और लैमिना प्रॉपरी ऑफ द गट में प्रेजेंट होता है ठीक है फिर सेकेंड उसके बाद जो है वेनियुल्स ठीक है विन्यूल्स में जो है कहाँ कहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वेन्स में जाता है ठीक है फिर सेकेंड कैपलरी नेटवर्क में ब्रेक डाउन करता है एंड दैट सेकंड कैपलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन दिपैटिक सैनोसाइड्स फिर गोज इन फॉर्म वेन्यल अगे दैट इज टर्मिनल हिपेटिक वेन्यूल्स विच फॉर्म वेन हिपेटिक वेन विच गोज इन टू आई वी सी एंड देन बैक टू द हार्ट सही है अच्छा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम लैक्स वाल्वस ठीक है वॉल्व लैक करता है ब्लड फ्लू कैन बी इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट ओके नाउ पोर्टो केवल एनेस्टोमोसिस सही है अब हमें तीन मेन एनेस्टोमोसिस हैं जो कि हमारे पास सोसाइटीज में या किसी भी सैरोटिक डिजीज में दे डिस्टेंट ठीक है और ये जो है पोर्टल वेन का जब भी ब्लॉकेज होगा तो ये uh, यहाँ पर डिस्टेंशन होगी हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्टल और केवल दोनों वीनस अप्लाय होता है जिन जिन स्ट्रक्चर्स पे उन पर यह नेस्टोमोसिस फॉर्म होता है थ्री प्राइमरी टिश्यू एरियाज वेर ब्लड ब्रेन्स थ्रू बोथ हिपाटिक एंड केवल वीन वेन्स फर्स्ट इसोफिगस इसोफिगस का ये जो ऊपर पोर्शन है यहाँ पे सोफेजियल वेन्स है देर गोइंग टू एजाइगस वो सुपीरियर वेना केवा में जा रही है डिस्टल ये डिस्टल पोर्शन ऑफ द इसोफिगस है ठीक है और नीचे से जो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ठीक है विच इज गोइंग टू हिपैटिक पोर्टल वेन ठीक है और यहाँ पर जो है एनेस्टोमोसिस है इफ दिस वेन इज ब्लॉक तो ब्लड यहाँ से बैक फ्लो करेगा एंड इट विल स्टार्ट गोइंग इनटू दिस ठीक है तो दीज वेन्स ओवर हियर विल गेट डायलेटेड ठीक है और इन गॉर्ज इट इज नोन एज एसोफेजल एंड दे कैन ब्लीड वेरी प्रोफ्यूजली ओके नाउ कमिंग टू रेक्टम ठीक है रेक्टम में जो है ये पोर्टल हाइपर में ये फीचर्स आते हैं हमारे पास योफेजियल वेरसेज इंटरनल हिमराइडस एंड कैपेटमीड्यूज ठीक है थीके? तो इंटरनल हिमराइड्स पे अब आते हैं ठीक है थीके? ये रेक्टम है ठीक है ये सुपीरियर रेक्टल वेन आ रही है ठीक है ये जाएगी Uh, हमारे पास जो है सुपीरियर रेक्टल वेन uh, इन्फीरियर uh, मीजेंटारक वेन में जाएगी ठीक है वो स्पीनिक वेन में जाएगी और वो फिर पोर्टल वेन में जाएगी ठीक है और जो मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन्स हैं वो इंटरनल एलियक वेन में जाएंगी फिर उसके बाद कॉमन एलियक् वेन में जाएंगी और फिर आई बी सी में जाकर डायरेक्ट हार्ट की तरफ जाएंगी ठीक है अगर ये वेसल्स ब्लॉक हो जाएं तो दीज वेसल्स विल बिकम इंगॉर्ज ठीक है एंड दैट इज़ नोन एज इंटरनल हीमरॉइड ठीक है फिर सुपरफिशियल एब्डोमेन में क्या होता है कि ये एब्डोमिनल वॉल है ठीक है ये अम्बेलिकस है ठीक है जो पेरी अम्बेकर वेन है वो डायरेक्ट हिपैटिक पोर्टल में जा रही होती है और जो मेन ड्रेनेज uh, है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्नस के थ्रू है विच गोज टू फेमरल वेन बिकॉज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टी इज अ ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी तो फेमरल वेन भी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन विल ड्रेन ऑल्सो इन टू सुप फेमरल वेन ठीक है फिर जो है एक्सटर्नल एलियक में जाएगी और फिर कॉमन एलियएक और फाइनली देन गो टू आईवीसी ठीक है तो अगर ये वाली वेसल सुपरफिशियल सॉरी पेरीबिलकल विल बिकम जो है ये पेरी एम्बिलकल वेसल्स जो हैं ये स्टॉप हो जाएं बिकॉज ऑफ द पोर्टल हाइपर ठीक है इनसे ड्रेनेज रुक जाए तो दीज सुपरफिशलगैस्ट्रिक वेसल्स विल बिकम इंगॉज एंड फॉर्म अ फाइंडिंग दैट इज नोन एज कैपिट मीडियूज ठीक है ना गेटिंग बैक टू द पॉइंट्स अच्छा पॉइंट नंबर टू नाइन फोर है दैट्स रिलेटेड टू जी आई राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉमन हिपाटिक आर्टरी ठीक है मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पर जो है ये इस लेसर कैपेचर पर जाकर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ इन स्टमोस है लेफ्ट और राइट right दोनों ही सिलेट ट्रंक से आ रहे हैं ठीक है थीके? हमारे पास ठीक है लेकिन लेफ्ट जो है वो डायरेक्टली सिलेट ट्रंक से आ रही है राइट right जो है वो फिर आ, हमारे पास कॉमन हिपाटिक के थ्रू आ रही है ठीक है ओके नाउ गोइंग टू दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज लेसर करवेचर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ड्रेन ये मेरे हाल से लेफ्ट गेस्ट्रिक वेन कहना चाह रहे हैं ड्रेन डायरेक्टली पोटल वेन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्रेनिक आर्ट्री ठीक है सिस्टिक आर्ट्रीज ए ब्रांच ऑफ राइट हिपेटिक आट्री ठीक है राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज ए ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्ट्री ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंगज ए ब्रांच ऑफ सिली ट्रंक कॉमन हिपेटिक सिलीट ट्रक की तीन मेन ब्रांचे खुद लेफ्ट गैस्ट्रिक कॉमन हिपेटिक ठीक है फिर कॉमन हिपैटिक से हमारे पास एक हिपैटिक प्रॉपर है गस्ट्रोडियो हिपेटिक प्रॉपर से राइट एंड लेफ्ट है ठीक है और हिपैटिक प्रॉपर से हमारे पास एक जो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ठीक है फिर राइट right से जो है वो सिस्टिक है और लेफ्ट जो है ऐसे जा रही है सीधी ठीक है, है और स्प्लिनिक okay. से हमारे पास जो है पैंक्रियाटिक ब्रांचेज है शॉर्ट गैस्ट्रिक है और लेफ्ट गैस्ट्रो को एप्लीप्लोइक है ठीक है और गैस्ट्रिकोडिनल से हमारेल है और हमारे पास जो है ठीक gastric, right है

सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक uh, जो है वो सेफनस ओपनिंग के थ्रू में होती है क्योंकि सेफनस ओपनिंग में से क्या आ रही है फेमरल वेम सेफनस नाल में हमारे पास ठीक है फिर एपिगैस्ट्रिक लिए सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक जो है फेमरल आर्टरी राइट गेस्ट को एपिप्लोइ गैस्ट्रोड्यूडेनल लेफ्ट गेस्ट्रो को स्प्लेनिक है ग्रेटर एंड लेसर सैक कम्युनिकेट व एपिप्लोइ फेमन अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ये जो है पेरिटोनियम है ना ठीक है तो ये यहाँ पर ये ग्रेटर ओमेंटम है ठीक है और ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है थीके? ये लैटरल व्यू है ठीक है सही है ये यह यहाँ पे लिवर लाई कर रहा है इधर स्टमक लाई कर रहा है ये आगे जो सारा सैक है ये पेरिटोनियम है ठीक है ये यहाँ पर पीछे एक छोटा सा सैक इंक्लूज जाता है बिहाइंड स्टमक एंड पैंक्रियाज ठीक है और थोड़ा सा लिवर का पोर्शन दैट इज द लेसर सैक ठीक है और लेसर सैक और ग्रेटर uh, सैक जो है वो लिवर की बेर एरिया के करीब से कम्युनिकेट करते हैं एंड दैट फॉरमेन इज नोन एज एपीप्लोक फॉरमेन ठीक है इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस फ्लूइड एक्युमुलेशन कहाँ पे होगी लेसर सैक में इसी तरह ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी पीछे भी होता है लेसर सैक ठीक है इन्फीरियरली जो है तो उसका होता है ठीक है और उसकी भी जो रप्चर होगा वो लेसर सैक में जाएगा ठीक है अगर अल्सर रपच्चर होगा लेसर सैक इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड प्राइक्रियाज लेसर सैक लैटर रिलेशन इज एप्लोइ्लोक अब ये अपेंडिसोईकी बात करेंगे वो कोलॉन पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है जंशन इन दपर जी आई 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 टी आर फाउंडेड मिडिल वन थर्ड ऑफ दिसका अपर वन थर्ड स्केलेटल मसल है स्ट्राइटेड लोअर वन थर्ड स्मूथ मसल है बीच में मिक्सचर है अपर वन थर्ड की सप्लाई क्या है वेस्कुलर सप्ला इन्फीरियर थायरॉड है नीचे क्या है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्ट होती है क्योंकि हमने कह दिया कि लेफ्ट वेस्ट गैस वेन भी उसको सप्लाई करता है जिससे ब्लॉकेज की, की वजह से वेरियस बनेंगे हमारे पास मिडिल थर्ड पे हमारे पास जो है वो ब्रांचेस आ रही हैं फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ब्लड सप्लाई टू द अपर वन थर्ड ऑफ दिस फ्राम इन्फीरियर एंड ब्लड सप्लाई दिडलिकेसिज बाय डिस एओर्टा ठीक है नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर थ्री हंड्रेड सही है. जी आई एनाटमी का लास्ट पॉइंट है ठीक है इसके बाद हम जी आई पैथोलॉजी की तरफ जाएंगे ठीक है विथ स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग गिविंग इंसिजन ऑन द मैकबर्नीज पॉइंट इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज होती है ठीक है नर्व का डैमेज ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द वेसल डैमेज ठीक है तो जब भी पूछा अगर ऑप्शन में नर्व और वेसल दोनों के वन है तो नर्व को क्लिक करना है आलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को ठीक है और एंट्री कौन सी डैमेज होगी ड्यूरिंग मैकबर्नीज इंसिजन ठीक है डीप सर्कम्फ्लेक्स अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन पोजिशन क्या है रीट्रोसिकल है और अपेंडिकुलर आट्री का इसकी ब्रांच है टर्मिन Branch of ileocolic artery. Okay, so we are done here. Okay.